हेलो एवरीवन, मैं हूं मेराज अली खान। आप देख रहे हैं अपना चैनल सौरा एकेडमी में, आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का मेरा टॉपिक है वर्गमूल, यानी इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे क्या रूट, रूट यानी रूट कितने प्रकार के होते हैं। रूट जैसे किसी के पावर 4 दे दिया तो हमको पढ़ना है केवल दो, एक क्या पढ़ना है कि स्क्वायर रूट और एक क्यू रूट पढ़ना है। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट हो गया और क्या हो गया क्यूब रूट। रूट हो गया, इसे हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। वर्ग मूल कहते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं घनमूल, मूल कहते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे इसका साइन क्या होता है। इसका साइन होता है यानी इसके पावर क्या दिया होगा, 3। और इस साइन का मान कोई अगर पूछ दिया आपको तो क्या बताएंगे, 1/3 क्या होता है, 3 होता है। और इसका जब आपका पूछ दिया यानी इसका साइन क्या होता है, इसका साइन 2 होता है। सबसे पहले आप एक याद रखेंगे, एक ये साइन होता है, इसके पावर अगर 2 दे दिया हो तब ये किसका ही रहेगा। इसके पावर क्या दे दिया हो, 2 दे दिया हो और ऐसे दे दिया तो दोनों क्या होगा, दोनों एक समान ही होगा। यानी इसका भी मान 1/2 होगा और इसका भी मान 1/2 होगा, दोनों क्या है, सेम है। कितने लोग को अगर ये पता है तो ये नहीं पता रहता है, यानी ये जब हमको दे दिया है तो इसका मान कितना होगा, 1/2 होगा। अगर ये दे दिया तो इसका मान क्या होगा, 1/3 होगा। तो इतना आपको समझ में आया, समझ में आया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बेटा, ठीक। बस केवल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बस आपको केवल याद दो रखना है। यहाँ पर क्या रहेगा, 2 का 8 होगा और यहाँ पर 3 का क्या होगा, 7। बस यही आपको याद रखना है, आपका सवाल क्या हुआ, लग गया। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 3 हो गया दे दिया, यहाँ पर 4 हो गया, 0, 8 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इनमें से 2 का कितना होता है, 8 होता है, और यहाँ पर 3 का कितना होता है, 7। मगर यहां पर दिखाई दे रहा है 2 का, अगर 8 दिया हो तो 8 का क्या होगा, उल्टा 2 होगा। 7 दिया है तो 7 का उल्टा क्या होगा, 3 होगा। बस आपको केवल यही बात याद रखना है। तो यहां पर अब देखेंगे, यहां 8 दिया है तो 8 का कितना होगा, 2 होगा ना। तो यहां से क्या लगाएंगे, वर्गमूल में कितना का जोड़ा बनता है, 3 का जोड़ा बनता है। हमने क्या लगा दिया इसमें, 3 का जोड़ा लगा दिया। अब इन तीनों के बदले में क्या लिखेंगे, 8 का कितना होता है, 2। आपको केवल क्या देखना है, इकाई अंक इसमें देखना है, क्या देखना है, इकाई अंक। तो इसमें क्या होता है, 2 हो गया। अब ये 3 से काम क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हमको ऐसा संख्या ढूंढना है, ऐसा संख्या ढूंढना है इससे करीब होना चाहिए। तो आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यू रूट, क्यू रूट पढ़ रहे हैं। तो यहां पर 2 का कितना होगा, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। और ये सबसे पहले लगाने के लिए आपको 30 तक क्या, क्यूब यानी याद होना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या है, बहुत कम है, इसीलिए नहीं लेंगे। अब क्या चलेंगे, 3 का लेंगे तो 27 होगा, बहुत कम है। अब क्या लेंगे, 4 का लेंगे। तो 4 का कितना होता है, क्यूब 4 का 64 होता है, ये 64 के करीब है। और 64 के बदले में कितना लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 4 लिखते हैं। अब यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया, तो हमारा आंसर क्या हुआ, यही हो गया हम लोग का क्या हुआ आंसर। समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं आप। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, 2 का कितना होता है, 8 होता है, यानी 8 दिया हो तो कितना होगा, 2 होगा। 7 दिया हो तो 3 होगा, 3 दिया हो तो क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर 8 दिया था तो 8 का उल्टा कितना होगा, 2 होगा, इसीलिए हमने 2 लिख दिया। और सबको पता है यानी हम नियम में क्या पढ़ते हैं,
नियम में पढ़ते हैं किसी भी संख्या का क्या बनना चाहिए, तीन जोड़ा बनना चाहिए। तो इसका क्या करेंगे, तीन जोड़ा बनाएंगे, 42 गुणे 42 हो गया, गुणे क्या हो गया 42 हो गया। इसका जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 6 गुणे 7 होगा, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा 6 गुणे 7 होगा, फिर इसको तोड़ेंगे तो 6 गुणे 7 होगा, अब इसको जब तोड़ेंगे तो 2 गुणे 7 होगा, फिर इसको जब तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 होगा, यहां पर क्या होगा 7 होगा, इसको तोड़ेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 7 होगा। अब देख रहे हैं तीन जोड़ा बनाना है, एक जोड़ा यहाँ पर है और एक जोड़ा क्या है यहाँ पर, एक जोड़ा यहाँ है और दूसरा जोड़ा यहाँ है, एक जोड़ा यहाँ है एक जोड़ा यहाँ, यानी तीन जोड़े में से कितना हम जोड़ा लेते हैं, एक जोड़ा लेते हैं, तीन के बदले क्या लिखेंगे इसके और इसके बदले में क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, फिर 2 थे 3 थे तो क्या लेंगे 1 लेंगे, 2 थे तो 3 लेंगे हो गया, फिर यहाँ 3 थे फिर 3 है तो इसलिए क्या लेंगे 3 लेंगे, और इसका गुणा करेंगे तो 2 3 कितना होता है 6, और 6 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या हम लोग का आ जाएगा 42 आ जाएगा, यानी हम लोग का यही क्या है आंसर है, ये ट्रिक है और ये क्या है नियम है। तो आपको समझ में आया होगा, इसको अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी 15,600 क्या दिया है 25 दिया है, इसका हमको क्या पूछा है क्यू रूट पूछा है। तो सबको पहले आपको पता है कि इनमें तीन तीन का क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा हमने बना लिया, यहाँ नहीं बना तो इसके आगे हमने 0 बढ़ा दिया, इसका भी जोड़ा बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे 2 दिखाई दे रहा है, इसमें से 8 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई या 7 दिखाई नहीं दे रहा, तो इन चारों के बदले में अगर कोई संख्या नहीं दिखाई दिया तो क्या करेंगे, उसी संख्या को हम क्या करते हैं लिख देते हैं। तो बस यहाँ केवल 5 का क्या होगा 5 होगा, ये 3 थे क्या होगा खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ऐसा हमको क्यों लाना है जो 15 के करीब में हो, तो 15 के करीब में अब यहाँ पर देखेंगे 1 का कितना क्यू होता है 1 होता है, 2 का कितना होता है 8 होता है, 3 का कितना होता है 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है, ये अधिक हो गया 15 से ना, अधिक कभी नहीं लेंगे, क्या लेंगे छोटा लेंगे, तो 2 है तो बड़ा नहीं लेंगे छोटा लेंगे, तो 8 के बदले क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि इसका क्यू है 25 का क्यू है, यही हम लोग का क्या है आंसर है। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देते हैं चलते हैं। ये नहीं दिया होगा तो किया होगा वर्गमूल होगा, सदैव याद रखना 5/12, यानी 5/12 आपको पता है कि किसका होगा या आठ का होगा, मगर हमको क्या लाना है ट्रिक से लाना है। तो सबसे पहले 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 बन गया, यहाँ पर देखेंगे 8 का क्या होता है 2 होता है, और 2 का क्या होगा 8 होगा, तो इसीलिए 2 लास्ट में इकाई अंक है ना, तो इसका क्या होगा 8 होगा, बस यही क्या है हम लोग का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह ट्रिक समझ में आया होगा। तो अब अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो सौरभ एकेडमी यानी हमारा चैनल आप क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो छोटी मोटी गलतियां हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो अब अगले टॉपिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।